सबै प्रश्नको उत्तर र सबै समस्याहरूको हल हामीभित्र नै हुन्छ। त्यसको लागि आवश्यक छ त केवल हामीभित्र भएको कुण्डलिनी शक्तिको जागरण। हामीभित्र भएको अहम, द्वेष, घमण्ड, घृणा, क्रोध र सबै नकारात्मकताको कारण हाम्रो अज्ञानता हो। र जब हामी हाम्रो वास्तविक स्वरूप हाम्रो आत्माको निकट आउँछौँ, हाम्रो सबै अज्ञानताहरू आफै हटेर जान्छन्। आउनुहोस्, सबै रोग, चिन्ता, समस्याहरूको समाधान भएको सहज योग ध्यानको बारेमा जानौँ। भनिन्छ, विज्ञानको सीमा जहाँ खत्तम हुन्छ त्यहाँ अध्यात्म सुरु हुन्छ, र सहज योग यी दुवैको मिश्रण हो। सहज योग श्री माताजीद्वारा सन् 1970 प्रतिपादित गरिएको हो। उहाँको निस्वार्थ सेवा र आध्यात्मिक ज्ञानको शक्तिशाली प्रभावले अहिले सहयोग 126 देशहरूमा निःशुल्क अभ्यास गराइन्छ। सहयोग संस्कृत शब्द हो। स भनेको आफूसँगै, ज भनेको जन्मेको, र योग भनेको जोडिनु हो। सबै मनुष्यहरूभित्र एउटा सूक्ष्म शरीर हुन्छ जसले हाम्रो योग सर्वव्यापी दैवी शक्तिसँग गराउँछ, जसले सबै जीवन्त क्रियाहरू गर्छ, सङ्गठित गर्छ, सोच्छ, र सबैभन्दा माथि सबैलाई प्रेम गर्छ। हाम्रो निर्माता नै सम्पूर्ण सृष्टिको सञ्चालक हुन् भनेर सबै व्यक्तिहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। धेरै आध्यात्मिक परम्परामा यो सूक्ष्मतन्त्रलाई जीवनको वृक्ष पनि भनिन्छ। त्यो सूक्ष्मतामा 7 चक्र अर्थात् ऊर्जाको केन्द्र, 3 नाडी अर्थात् ऊर्जाको मार्ग, र कुण्डलिनी अर्थात् जीवन्त शक्ति हुन्छ। संस्कृत भाषामा चक्र भनेको पाङ्रा पनि हो, जुन घडीको दिशामा घुम्ने गर्छ। नाडी भनेको माध्यम वा मार्ग हो, जसबाट कुण्डलिनी शक्ति मेरुदण्डको तल्लो भागबाट टाउको तालुसम्म जाने गर्दछ। जब कुण्डलिनी जागृत हुन्छ, यो मेरुदण्डको माध्यमबाट सबै चक्रमा पुगी टाउको तालु भागबाट बाहिर निस्कन्छ। जब कुण्डलिनी हाम्रो मस्तिष्क भएर माथि उठ्छ, त्यतिखेर हामीलाई स्वत मानसिक शान्तिको अनुभूति हुन्छ, र हामीमा चेतनाको उच्च स्तर आउँछ। यो क्रमलाई नै आत्मसाक्षात्कार भनिन्छ। हाम्रो शरीरमा प्रत्येक चक्र र नाडीको आफ्नै स्थान हुन्छ, जसको अनुभव आत्मसाक्षात्कारको प्राप्ति पश्चात मात्र गर्न सकिन्छ। आउनुहोस्, कुण्डलिनी चक्र र तिनको विशेषताहरूको बारेमा अझै जानौँ। प्रत्येक व्यक्तिमा कुण्डलिनी नामक एक मातृ र आध्यात्मिक शक्ति हुन्छ, जुन हाम्रो मेरुदण्डको मुनिपट्टि रहेको त्रिकोणीय हड्डीमा 3.5 फन्कोमा सुसुप्त अवस्थामा रहेको हुन्छ। ग्रीकहरूलाई धेरै पहिले नै यो कुरा थाहा थियो कि पवित्र हाडी अनि सेक्रम बोनले कुनै विशेष शक्तिलाई धारण गर्छ, जसले हामीलाई आत्माको उत्थानतर्फ डोर्याउँछ। कुण्डलिनीमा अग्नि जस्तै ऊर्ध्व गतिमा माथि जाने र अग्नि जस्तै विशेषता हुने भएकोले मनुष्यभित्र रहेको तिनको सूक्ष्मतन्त्रलाई प्रदूषित गरिरहेको नकारात्मकतालाई जलाउँछिन्। यसरी अशुद्धतालाई जलाइसकेपछि तिनले हाम्रो सूक्ष्मतन्त्रलाई शीतल बनाउँछिन्। एकपटक यो असाधारण ऊर्जा आत्मसाक्षात्कारी सद्गुरुद्वारा जागृत भयो भने उक्त कुण्डलिनी हाम्रो सूक्ष्मतन्त्रमा मेरुदण्डको बाटो हुँदै माथि उठ्छिन्। कुण्डलिनीले पहिले 6 जागृत गर्दै हाम्रो टाउको तालु भागमा रहेको सहस्रारलाई खोलिदिन्छन्। यसरी मानिसले त्यो परम शक्तिसँगको योग प्राप्त गर्न सक्छ, जुन कि सबै शक्तिहरूको स्रोत हो। आउनुहोस्, जानम चक्र अथवा ऊर्जा केन्द्रहरूको बारेमा। यो 4 भएको चक्रको नाम मूलाधार चक्र हो, जसको स्थान त्रिकोणाकार पवित्र हड्डीको तलपट्टि हुन्छ। यसको मुख्य गुण अवोधिता यानि इनोसेन्स हो। अवोधिता त्यस्तो गुण हो जसद्वारा हामी अवोध बालक जस्तै आनन्द र खुसीको अनुभूति गर्न सक्छौँ, जसलाई यो संसारको छलकपट अथवा चालाकीसँग कुनै सरोकार हुँदैन। कुण्डलिनीको तलतिर अवस्थित भए पनि यसले कुण्डलिनीको पवित्रता र शुद्धताको सदैव रक्षा गरिरहन्छ। यो 10 भएको चक्रलाई नाभि चक्र भनिन्छ।
जसको स्थान हाम्रो नाभि अथवा नाइटो भागमा हुन्छ। यो चक्रले हामीलाई उदारता, शान्ति, उत्क्रान्ति एवं आध्यात्मिक उत्थानको प्रदान गरी हामीभित्र धर्मको स्थापना गर्छ। यो चक्र जागृत भइसकेपछि हामीलाई क्षमको प्राप्ति हुन्छ, साथै हामीभित्र सन्तुष्टिको विकास हुन्छ, जसले गर्दा भौतिक जीवनको सबै तहमा पूर्ण सन्तुलन प्राप्त हुन्छ। यो छ पत्र भएको चक्रको नाम स्वाधिष्ठान चक्र हो। यसको स्थान पेटको तल्लो भागमा स्याक्रम बोनको माथिपट्टि हुन्छ। यो चक्रको विशेषता शुद्ध इच्छा, शुद्ध ज्ञान, रचनात्मकता एवं सौन्दर्य बोध हो। यो चक्रले हामीलाई प्रेरणाको भित्री स्रोतसँग जोड्छ र हाम्रो वरिपरिको सुन्दरताको अनुभव गर्न हामीलाई सक्षम बनाउँछ। भवसागर अथवा शून्यले हाम्रो नाभि चक्रलाई घेरेको हुन्छ र यसको परिधिभित्र स्वाधिष्ठान चक्र पनि पर्ने गर्छ, जसले हामीभित्रको गुरु तत्त्वलाई जनाउँछ। यो हाम्रो 10 महागुरुहरूको स्थान हो। स्वाधिष्ठान चक्र भवसागरको निर्वाहको लागि भवसागरको वरिपरि घुम्दछ। पैसा र शक्ति प्रदर्शनमा अत्याधिक उत्सुक कुगुरुहरूको अनुसरण गर्दा हाम्रो भवसागरलाई धेरै नोक्सान पुर्याउँछ। त्यसैले श्री माताजी भन्नुहुन्छ कि सहयोगमा तपाईँ आफ्नै गुरु अथवा आफ्नै आध्यात्मिक मार्गदर्शक आफै बन्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो आत्मा साक्षात्कार पाएपछि हाम्रो सूक्ष्मतन्त्रमा भएको समस्याहरूलाई आफ्नो औँलाहरूको टुप्पोमा महसुस गर्न सक्छौँ र आफै कुण्डलिनीको ऊर्जाको माध्यमबाट ती सबै समस्याहरूको समाधान पनि आफै गर्न सक्छौँ। यो 12 पत्र भएको चक्रको नाम अनाहत अथवा हृदय चक्र हो। यसको स्थान हाम्रो छातीमा मेरुदण्डको भागमा हुन्छ। हृदय चक्र हाम्रो आत्माको वासस्थान हो, जुन हाम्रो वास्तविकता हो, जुन अनन्त छ। यो चक्र जागृत भइसकेपछि हामीभित्रको डर, भय एवं त्रासहरू हराई पूर्ण सुरक्षा भाव सहित आत्मविश्वासको प्राप्ति हुन्छ। हामीभित्रको प्रेम भावको विकासमा पनि यो चक्रको प्रमुख भूमिका रहन्छ। यो चक्रले हामीलाई पारिवारिक एवं सांसारिक कर्तव्यहरूको बोध गराउनुको साथै मर्यादित जीवनयापन गर्न क्षमता पनि दिन्छ। यो 16 पत्र भएको चक्रलाई विशुद्धि चक्र भनिन्छ। यसको स्थान घाँटीको मेरुदण्डको भागमा हुन्छ। यो चक्र सामूहिक चेतना, साक्षीभाव र अरूसँगको पवित्र सम्बन्धको ऊर्जा केन्द्र हो। यसले हाम्रो दोषभाव हटाउनुको साथै हामीलाई विनम्रता र मधुर वाणी प्रदान गर्दछ। यो चक्रले हामीलाई समग्रसँग जोड्छ र हामीलाई यो सत्यसँग अवगत गराउँछ कि हामी सबै त्यो परमात्माको अङ्ग प्रत्यङ्ग हौँ। यति मात्र नभई हामीमा सामूहिक अथवा कलेक्टिभ भएर कुनै पनि कार्यलाई कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्ने क्षमता समेत विकास गराउँछ। यो 2 पत्र भएको चक्रलाई आज्ञा चक्र भनिन्छ। यसको स्थान हाम्रो निधारको मध्य भागमा हुन्छ। यो चक्रको प्रमुख विशेषता भनेकै क्षमाशीलता हो। क्षमा नै त्यो शक्ति हो जसले हाम्रो अहङ्कार गर्ने बानी तथा गलत विचारहरूलाई नाश गरी हामीलाई नम्र हुने क्षमता प्रदान गर्छ। यो चक्रले हाम्रो अहङ्कार र प्रतिअहङ्कारको प्रतिनिधित्व गर्छ। यसले हाम्रो दृष्टि, सुन्ने शक्ति एवं विचारहरूलाई नियन्त्रण गर्छ। यो चक्रको जागरणपछि मानिसभित्र क्षमाशीलताको विकास हुन्छ र निर्विचारिता स्थिति प्राप्त गर्छ, जसले हामीलाई मानसिक मौनता समेत प्रदान गर्दछ। निर्विचारिता अर्थात् थटलेस अवेरनेस नै ध्यानको त्यो परम स्थिति हो, जसले हामीलाई परमात्मासँग जोड्न सक्छ। सहस्रार चक्र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चक्र हो। 1000 पत्र भएको यो चक्र 1000 नसाहरू मिलेर बनेको हुन्छ, जो कि हाम्रो तालुको भागमा कमलको फुल जस्तै संरचना बनाउँछ। सहस्रार चक्रको स्थान हाम्रो टाउको तालु भागमा हुन्छ। यसलाई ब्रह्मरन्ध्र पनि भनिन्छ। श्री माताजीले सन् 1970 मे 5 दिन सहस्रार चक्रलाई आफ्नो दिव्य शक्तिद्वारा खोलिदिनुभयो। त्यसपछि मात्र सर्वसाधारण मानवहरूको आत्मसाक्षात्कार सम्भव भयो।
जब कुण्डलिनी जागृत हुन्छ, कुण्डलिनीले आफ्नो प्रकाश मानवको मस्तिष्कमा फैलाउँछ र मानव मस्तिष्क आलोकित हुन्छ। जब कुण्डलिनी यो चक्रलाई पनि भेदन गरेर तालु भाग अथवा ब्रह्मरन्ध्रबाट बाहिर निस्कन्छ, हाम्रो कुण्डलिनी सर्वव्यापी दैवी शक्तिसँग एकाकार हुन्छ र त्यसपछि मात्र सही अर्थमा परमात्मासँग हाम्रो नाता गाँसिन्छ। हाम्रो जीवनको मूल लक्ष्य भनेकै यो शक्तिसँग जोडिनु अथवा एकाकार हुनु हो। अब लागौँ हाम्रा तीन नाडीतर्फ, जुन हाम्रो ऊर्जा प्रवाह हुने माध्यम हुन्, इडा नाडी अथवा लेफ्ट सिम्पथेटिक नर्भस सिस्टम। हाम्रो बायाँ भागमा इडा नाडी हुन्छ, जसलाई चन्द्र नाडी पनि भनिन्छ। यो हाम्रो भूतकाललाई प्रतिनिधित्व गर्छ। यो नाडी मूलाधार चक्रबाट सुरु भएर आज्ञा चक्रको दाहिनेतर्फ लाग्छ, जहाँ हाम्रो प्रति अहंकार हुन्छ। यसले हाम्रो अतीतका भावनाहरू, हाम्रो संवेदनाहरू तथा इच्छाहरूलाई जनाउँछ। बायाँ पक्षको मूलभूत तत्त्व भनेको आत्माको आनन्द नै हो। पिङ्गला नाडी अथवा राइट सिम्पथेटिक नर्भस सिस्टम। हाम्रो दाहिने भागमा अवस्थित नाडीलाई पिङ्गला नाडी भनिन्छ, जसलाई सूर्य नाडी पनि भनिन्छ। यो नाडी हाम्रो स्वादिष्ठान चक्रबाट सुरु भई आज्ञा चक्रको बायाँतर्फ लाग्छ, जहाँ हाम्रो अहंकार हुन्छ। यो नाडीले हाम्रो मानसिक तथा शारीरिक कर्महरूलाई जनाउँछ। यसले हाम्रो क्रियाशक्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्छ र हाम्रो भविष्यसँग सम्बन्धित छ। सुषुम्ना नाडी अथवा सेन्ट्रल च्यानल। हाम्रो मध्यमा रहेको नाडीलाई सुषुम्ना नाडी भनिन्छ, जुन मूलाधारदेखि सुरु भई सहस्रार चक्रसम्म जान्छ। यो नाडी हाम्रो आध्यात्मिक उत्थानको मार्ग हो। यसले हामीलाई उच्च स्तरको चेतनासम्म लिएर जाने गर्छ। आउनुहोस् सहजयोगद्वारा अहिले नै कुण्डलिनी शक्तिको जागरण स्वयं सहजयोगको संस्थापिका परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवीद्वारा गरौँ। आफ्नो स्क्रिनलाई अगाडि राखौँ र श्री माताजीको निर्देशन पालना गर्दै ध्यान गरौँ। सबसे पहले मैं आपसे विनती करूंगी कि कृपया अपने जूते पैर से उतार दें, और मोजे भी उतार दें अगर मोजे पहना था। बहुत सहज सरल विधि है कुंडलिनी के जागरण की। उसको कोई विशेष द्राविड़ी प्राणायाम करने की जरूरत नहीं, बहुत आसानी से ये कार्य घटित होता है। सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से आप भी इसका जागरण कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया था कल कि ये हमारी इच्छा शक्ति है और ये हमारी क्रिया शक्ति है। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसे आप मेरी ओर ऐसे करें, इसका मतलब ये होगा प्रतीक रूप से कि आपकी इच्छा है कि आप आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहते हैं। और ये वाला हाथ जो है इसे आप हृदय पे रखें। यह हाथ पूरे समय मेरे ओर रहे, दोनों पैर जमीन पर समांतर रखें। हृदय में आत्मा का स्थान है, जैसे मैंने बताया। पेट में लेफ्ट साइड में ही सारा काम होने वाला है, इसलिए लेफ्ट साइड पर हमारा गुरु तत्व है। उसके बाद नीचे में स्वादिष्टान चक्र का शुद्ध विद्या का स्थान है, जिससे आप शुद्ध विद्या को जान सकते हैं। और अगर किसी मैली विद्या से आप पीड़ित हैं या किसी गुरु से आप प्रशासित हैं तो वो भी इससे साफ हो सकता है। उसके बाद फिर यही हाथ
ऊपर की ओर जाता है, फिर आप यह हाथ फिर से पेट के ऊपरी हिस्से में रखते हैं, उसके बाद हृदय में रखते हैं, उसके बाद इस जगह ये सबसे ज्यादा चक्र सबका पकड़ता है, पता नहीं क्यों, इस जगह रखे और गर्दन को ऐसे मोड़ा। उसके बाद ये हाथ यहाँ माथे पर इस तरह से आगे चक्र के सामने के हिस्से में और फिर पिछले हिस्से में इस तरह से रख करके और गर्दन इस तरह से फेंकी जाएगी। उसके बाद हाथ को तान करके उसका तलवा सर के यहाँ तालू पर इस तरह से जमा करके और धीरे धीरे, जल्दी जल्दी नहीं, धीरे धीरे गोल गोल घुमाया जाएगा और 7 मरतबा इसे घुमाना होगा। इससे आपका ब्रह्मरंध्र का छेदन हो जाएगा। अब कृपया आंख बंद कर लें और आंख न खोलें, चश्मे वगैरह उतार लें क्योंकि इससे दृष्टि भी ठीक होती है। सीधे तरीके से बैठे, न कुछ झुक के बैठे और न ही कुछ तन के बैठे, आराम से सहज आसन में जैसे कहते हैं, सीधे तरीके से जैसे आप रोज बैठते हैं उस तरह से बैठे। अब ये हाथ मेरी ओर कर, आंख बंद कर ले, लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और पूरी समय मेरी ओर रहे, चाहे अपनी गोद में रख लें लेकिन मेरी ओर है। अब राइट हैंड अपने हाथ पे रखें, आंख बंद कर ले, हाथ पे रख करके एक मूलभूत प्रश्न मुझसे करें 3 बार, श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूं? 3 बार पूछें, श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूं? श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूं? 3 बार सवाल पूछे। दूसरा सवाल गुरु तत्व पे रख करके इसी के बाद आना चाहिए, जो कि आपके लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड पर आपके पेट के ऊपरी हिस्से में इस हाथ को रखकर उसकी उंगलियां दबाएं अंदर की ओर। यह गुरु तत्व है। यहां पर प्रश्न करें दूसरा जो बड़ा मूलभूत है, श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? 3 बार ये सवाल करें, श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? 3 बार सवाल पूछे। इसके बाद ये राइट हैंड फिर से लेफ्ट साइड पर पेट के निचले हिस्से में रखा जाए और दबाया जाए। इन जगह हाथ रख के कहा जाएगा, कारण मैं आपकी स्वतंत्रता के हक को नहीं छीन सकती, आप स्वतंत्र हैं, आप चाहें तो कह सकते हैं और न चाहें तो न कहें। अगर आप चाहते हैं तो आपको ये कहना होगा कि श्री माता जी मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए, आपको कहना होगा, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती। 6 मरतबा कहिए, श्री माता जी मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए। विनम्र भाव से कहना होगा, प्रेम से, श्री माता जी मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए। अब इस हाथ को, राइट हैंड को पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड में फिर से दबा कर रखें। ये फिर आपका गुरु तत्व है। यहां आपको गुरु तत्व पे हाथ रख करके ये जानना चाहिए कि आपकी कुंडलिनी का जागरण शुरू हो गया है,
तो इस चक्र को खोलने के लिए पूर्ण आत्मविश्वास से आप 10 मर्तबा कहें, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। 10 मर्तबा कहें, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। पूर्ण विश्वास के साथ कहें। ये 10 मर्तबा कही, 10 मर्तबा कहना होगा, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूं। मैंने आपसे बताया है कि गुरु के 10 तत्व है हमारे अंदर। अच्छा चलो, अब अपना राइट हैंड हृदय पे फिर से रखा जाए और फिर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 12 मर्तबा कहना होगा, श्री माता जी मैं स्वयं ही आत्मा हूँ। श्री माता जी मैं आत्मा हूँ। श्री माता जी मैं केवल आत्मा हूँ। 12 मर्तबा कही। विश्वास से कहें, अब ये जानना चाहिए कि परमात्मा दया और करुणा के सागर है, प्रेम के सागर है, लेकिन सबसे अधिक वो क्षमा के सागर है। इसलिए उनके क्षमा की शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखते हुए हमें विश्वास कर लेना चाहिए कि हम कोई सा भी ऐसा दोष नहीं कर सकते जो वो क्षमा नहीं कर सकते। इसलिए अपना राइट हैंड कंधा और गर्दन के बीच में जो कोण है वहां पर पीछे तक पकड़ के रखें और राइट हैंड से पकड़े और गर्दन को अपनी राइट साइड में मोड़ दे, गर्दन को राइट साइड में मोड़ दे पूरी तरह से। इस जगह पूर्ण आत्मविश्वास से फिर कहें, श्री माता जी मैं दोषी नहीं हूं। पूर्ण आत्मविश्वास से कहें, श्री माता जी मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूं। 16 मर्तबा कहिए, क्योंकि इस चक्र में 16 पंखुड़ियां हैं श्री कृष्ण की। मैं बिल्कुल ही दोषी नहीं हूं। अब अभी हाथ को राइट हैंड को उठा करके अपने माथे पर आड़ा रखें, कपाल पर आड़ा रख के दोनों तरफ से दबाएं और लेफ्ट हैंड हमारी ओर रखें। यहां पर पूर्ण हृदय से कितनी बार से मतलब नहीं, ये कहिए कि श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। पूर्ण हृदय से कहें, मैंने सबको क्षमा कर दिया। अब यह ना सोचिए कि हम क्षमा नहीं कर पाते हैं, आखिर आप करें चाहे न करें आप कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन जब आप क्षमा नहीं करते हैं तो आप दूसरों के हाथ खेलते हैं। इसलिए कहिए कि श्री माता जी मैंने सबको पूर्णतया क्षमा कर दिया। पूर्ण हृदय से कहें। अब यह हाथ आप सर के पिछले हिस्से में ले जाएं
और पूरी तरह से सर को फेंक करके और विनम्र भाव से कहे कि परमात्मा, मैंने आपकी शान में कोई गलती की हो तो मुझे आप क्षमा कर दीजिए। पूर्ण हृदय से कहे, इसमें फिर से अपनी गलतियां ना गिनिएगा। अब अपना हाथ जोर से तान करके और उसका तलवा बराबर बीचों बीच तालू पर रख के धीरे धीरे अपने तालू की जो त्वचा है, जो उसका स्किन है, उसे धीरे धीरे घुमा, जिसे स्कैल्प कहते हैं, उसे धीरे धीरे घुमाया जाए 7 मरतबा। अब हाथ को नीचे ले लीजिए, धीरे धीरे आंख खोलिए। देखिए आप निर्विचार हो गए, विचार कोई नहीं आ रहा। अब अपना राइट हैंड हमारी ओर इस तरह से रखें सामने की तरफ, और लेफ्ट हैंड सर के ऊपर कोई 4 इंच 5 इंच ऊपर देखिए कि कोई ठंडी हवा आ रही है या नहीं। किसी किसी के गर्म आएगी, जो आज पहली मरतबा आए विशेष करके, कोई हर्ज नहीं। अब ये हाथ नीचे करें और इस हाथ से देखिए, अब इस हाथ को भावे चक्र की पकड़े लोगों को, इसका मतलब थोड़ी थोड़ी शिकायत है आपको लिवर की। अब दोनों हाथ आकाश की ओर इस तरह से करके सर पीछे की ओर फेंक करके एक सवाल पूछे कि श्री माता जी, क्या ये ब्रह्म शक्ति है? श्री माता जी, क्या यह प्रभु प्रेम की शक्ति है? क्या यह रुतंबरा प्रज्ञा है? 3 बार पूछिए। अब आप हाथ नीचे लीजिए, इस तरह से हाथ करिए और विचार नहीं करिए। आप मेरी ओर देखकर विचार ना करें, आप कर सकते हैं, बिल्कुल विचार ना करें। अब जिन लोगों के हाथ में, दोनों हाथ में ठंडी ठंडी हवाई हो और जिनके सर में भी ठंडी ठंडी हवाई हो, ऐसे लोग चाहे हाथ में आई हो चाहे सर में आई हो, दोनों हाथ ऊपर करें। अधिकतर लोग तो हो गए पार, देखिए सबके सब लोग पार हो गए। Why don't you turn the light? फिर से हाथ ऊपर करिएगा, देखें कितने लोग हैं, मुझे लाइट पे दिखाई दे। जस्ट टर्न द लाइट। देखिए अधिकतर लोग पार हो गए, कुछ लोग हैं नहीं हुए, कोई बात नहीं। आप लोग अब ये जो फॉलो ऑन प्रोग्राम है उसमें जरूर जरूर आइए। यहाँ पर डॉक्टर तलवार हैं और डॉक्टर रुस्तम बरजोर जी हैं, डॉक्टर वॉरेन हैं, और भी सहयोगी लोग यहाँ ठहरे हुए हैं, डॉक्टर बगदान हैं,
डॉक्टर डेविड हैं, ये लोग सब यहाँ ठहरे हुए हैं आपके लिए और पूर्ण आप पर मेहनत करेंगे। और इसके अलावा हमारे सहयोगी कलकत्ते में भी बहुत अच्छे हैं, सब आप पर मेहनत करेंगे और आपको ऐसा बना देंगे कि आप भी दूसरों को दे सकें। अब ये जानना चाहिए कि ये क्या कार्य सोचने विचारने से नहीं हुआ है, कुछ भी करने से अक्रिया में हुआ है, इसलिए इस पर कोई वाद विवाद विचार नहीं करना चाहिए। शांत चित्त से घर जाएं और अपना ध्यान यहाँ रख करके और सो जाएं। इसके बाद यहाँ पर किताबें हैं, उन किताबों को आप लेते जाइए, उसमें हमारा फोटो भी है। आश्चर्य की बात है कि फोटो में भी चैतन्य की लहरियां हैं, उसको इस्तेमाल करिए जब तक जरूरत है, उसके बाद आप स्वयं ही सिद्ध हो जाएंगे। हम तो चाहते हैं कि हमारी जितनी भी शक्तियां हैं सब आप अपने अंदर धारण कर लीजिए, इससे बढ़कर हमारे लिए और कोई गौरव की बात नहीं है।